वालेकुम जी, क्या हाल चाल उम्मीदें मज़े में होंगे, बड़े खुश होंगे। आज ही है चौथा रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह चौथे रोज़े की सहरी बनाने की है। लाइव अमीन के साथ आज आ रही है किंजा अमीन। बड़ी उठी हुई है आज तो, मुझे बड़ी देर से उठा रही थी, लाइव उठो मुझे सहरी बना के दो, मुझे लच्छेदार पराठे बना के दो। तो मैंने कहा चलो उसको बना देते हैं आज बल वाले पराठे। इनको ना मैं सुबह से उठा रही हूँ 4 बजे से, ठीक है। मैं खुद 3 बजे से उठी थी। किंजा थोड़ा जल्दी बोला करें, ऑडियंस के पास टाइम नहीं होता। तो वो ये हुआ कि उठी नहीं 5 मिनट और 5 मिनट और, मैंने कहा ये जब मैंने कहा ना ये वाली जो आप नखरे ना कर जा करके फ़ौरन उठी, ये मैंने कहा नखरे मामा को दिखाई कि हाँ नहीं चलने वाले आपके नखरे। हाँ बस हो गया। तो है हम बनाएंगे बल वाले पराठे, ठीक है। अभी हम फिर से जल्दी से आटा निकालेंगे और उसके साथ हमारे टिंडों का सालन होगा। ये जो टिंडों का सालन हमने बनाया हुआ है ना, ये चलेगा हमारा 3-4 दिन तक इंशाल्लाह। ये लाइव की पावर है, एक सालन अगर बना ले तो मैं इसको 3-4 दिन तक चलाती जरूर हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा और जो है साथ में इसको चाय बना के देंगे, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, ठीक है। ओके जी, फिर आटा निकालते हैं। सही है, ओके अच्छा। ये जी हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठा, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाना आता, ये बड़ा ही ईजी तरीका है, लाइव अमीन के तरीके से आप बनाएं। आप ऐसे जल्दी से बनाएगा ना, ये ना कट लगा लें, ठीक है। ऐसे एक दफ़ा पराठा बेल के उसको उसमें कट लगा लें, फिर उसके बाद हल्का सा उसमें ऑयल लगाएं ताकि वो अच्छे से अंदर से जो है बने। हाथ पे लगा के लगा सकते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जो बच्चे वो तवे पर लगा लें ये यूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी से इसको यूँ, अगर टाइम नहीं है जैसे आज हमारे पास नहीं है, यूँ सुबह से तो उठा रही हूँ। अच्छा मैं पीसती नहीं करो मेरी, हाँ रोस्ट करती हूँ ना, मुझे मैं भी करूँगी यूँ, ठीक है। ये इसको यूँ करके यूँ बेल लेना है और फिर ये यूँ कर देना है इसको। ये हमारा पराठा तैयार होने लगा है बस अभी, ठीक है। थोड़ा सा ये आटा नीचे डालेंगे ताकि जो है वो नीचे ना लगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा वो सूखा जाओ, ये लगे ही जाएगा सूखा जब तक ये बनेगा रेसिपी। ये इसको यूं करेंगे, ठीक है। और यूं मतलब लिटिल लिटिल बेल लेंगे। वाओ मेरी प्यारी बहन, ढक्कन भी लगाते हैं साथ में, अगर आपके कोई प्यारी बहन नहीं है तो रख ले। इन्हीं को किराए पे देना तो दे दे, हम दे देते हैं इनको भी किराए पे कभी कभी। अच्छा से माशाल्लाह, ये इधर से हल्का सा फट भी जाए तो खैर, पराठा तो है। पराठे आपको लाइव में सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये पूरा बनेगा तो दिखाती हूँ। ये जी हम डालेंगे और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा पराठा तैयार हो गया जी। तो भाई पराठे हमारे बन गए, सालन गर्म हो रहा है, सालों में पानी चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के चेक करें कितने प्यारे पराठे बनाए हैं। सालन गर्म हो जाए फिर डालते हैं। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे पराठे, हमारा सालन और ये पानी भी आ गया है। किंजा चार लेके आ रही है और अपनी चाय लेके आ रही है। आज हम सहरी में ये खा रहे हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अभी। किंजा जल्दी से आ जाओ जी। तो भाई सहरी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हम कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए पहले वज़ू कर रहे थे फिर नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स गो जी। तो भाई इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। आज मैं बड़ी देर से ब्लॉग स्टार्ट करी, बड़ी देर से स्टार्ट नहीं बल्कि मतलब कॉन्टिन्यू चल रहा है, लेकिन आज हमें इतना रोज़ा लगा, दोनों को इतना रोज़ा लगे ना, क्योंकि बिकॉज आज हम गए थे मार्केट, ठीक है, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, तो इतना मतलब थक गए ना,
लेकिन शायद यही नाम है, बिल्कुल शायद नहीं, यकीनन यही नाम है सब्र का और रोज़े का, यही नाम है कि आप अपने रूटीन के काम के साथ साथ अपने रोज़े को कंटिन्यू करो। यही सब्र होता है, यही रोज़ा होता है और यही अल्लाह ताला को पसंद है। अच्छा, आज भी आज इतना थक गए कि हमने, हालांकि मैंने इतना कुछ डिसाइड किया था कि आज मैं ये भी बनाऊँगी, आज मैं ये भी बनाऊँगी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम जो कल पकौड़े बना रहे थे ना, आज वही मैटर जो कल मैंने फ्रीज़ किया था, आज हम वही बनाएंगे। किंजा मी आए जरा, बड़ी सोहनी लग रही कुड़ी अच्छी, इसको ज्यादा लगा है माड़ी जान, थानू पता मैं तो फिर भी मतलब यू नो एक स्टेबल हो गया। नहीं लगा ना, वो बाहर अजीब सी गर्मी थी, उससे आंखों में कुछ होने लग गया। इधर असल इस्लामाबाद से भी है ना, थोड़ा सा वो थोड़ा हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो जाओ जाओ। हम कराची आए थे, हमारे में थोड़ा बड़ा हौसला है, हम कर लेते बर्दाश्त। अब अच्छा, मैंने इसको निकाला है कि इसको निकाला नहीं, इसको उठाए कि पकौड़ों वाला मैटर निकाला, जल्दी से हम पकौड़े बना लें, बिकॉज हमारी जो इफ्तारी है वो 6:40 तक हो जाती है, ठीक है? तो 6:40 हाँ, इतने बजे तक, इतने बजे में हो जाती है, ठीक है? 7 मिनट के टाइम बन जाता है। अच्छा किंजा, मेरी बेइज्जती ना कर। अच्छा भाई, अभी जो है अब पकौड़े बनाते हैं, ठीक है? चलें कल वाले पकौड़े भी बनाते हैं, बातें करते हैं साथ साथ, लेट्स गो। जी तो ऑलमोस्ट पकौड़े हमारे बन गए हैं, चेक करो केड़े कम कर दिए, मैं इतने भी डोल दिता है सारा। चलो कोई नहीं है, पकौड़े साढ़े बन गए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैटर फिर भी बच गया क्योंकि हम दो लोग हैं, हम ज़्यादा खाते नहीं हैं। और ये अभी बन रहे हैं थोड़े से, इसको अब निकाल लेते हैं, कांटे से निकालेंगे ताकि हाथ चल गया मेरा। देखिए किंजा निकाल रही हैं, हम निकाले निकाले, गुड गर्ल, कीप ऑन गेम है ये। मछलियों के मुंह में हाथ डालना और उन्हें पानी से यूं निकाल लेना है, निकाले निकाले। वाह सुभान अल्लाह, क्या अक्ल है बच्ची को। हाँ जी भाई, तो हमने चीज़ें रख ली हैं, अपने दस्तरखान पे लगा दी हैं, ठीक है? अभी तरबूज काटा था मैंने, मैं दिखाती हूँ, अभी तरबूज काटा मैंने, वो भी हम रखते हैं आज अपने दस्तरखान पे, कुछ फ्रूट ऐड करते हैं आज हम अपने दस्तरखान पे। और क्या किंजा बना रही है, किंजा आज फिर से टैंक बना रही है। किंजा को ऐसा वो टैंक का शौक चढ़ा हुआ है ना, क्या बताऊँ मैं, कहते तुम्हें भी टैंक बनाऊँगी और खुद भी टैंक पीऊँगी, टैंक 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 ही तो बनाना है, आई एम एक्सपर्ट शेफ इन टैंक। अच्छा भाई, अभी जो है 15 मिनट रहते हैं, 15-20 मिनट है ना किंजा अफ्तारी को होने में, 15-20 मिनट रहते हैं मेरे को, वेयर इज टाइम। ओके 6:27 हो रहे हैं किंजा, 6:40 प्लस पे रोज़ा खोलना है, तो 20 मिनट तो पक्के रहते हैं। सो अभी जो है फिर हम ऐसा करते हैं कि बैठ जाते हैं और दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए भी कोई इंशाल्लाह दुआ करेंगे हम, और अपने लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी भी जो दुआ हो हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला सबकी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करे इस माह रमज़ान के सदक़े। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारा जो है दस्तरखान सज चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, टैंग है, खजूरें हैं, पकौड़े हैं, और ये इमली वाली चटनी जो कल बनाई थी, और गेस करें इसमें क्या होगा, आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी जी, असी देसी है, असी आइसक्रीम के डिब्बे फ्रूट पाइदा हों, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये जी वाटरमेलन काटा था मैंने, तो हम आज ये खाएंगे अपने इफ्तार में। न्यू डिश ऐड हुई है भाई, वाटरमेलन जितना महंगा फ्रूट हो गया, नई डिश है, बल्कि बहुत महंगी डिश है, 45,000 की डिश है, इनू खाओ तुसी। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और एक बात और, अगर आपने वाटरमेलन देखा है तो वाटरमेलन आपने पहले नहीं खाना है, रोज़ा खोलने के बाद खाना है, बिकॉज़ उसके बाद पानी नहीं पीना है थोड़ी देर बाद, बिकॉज़ उससे आप कस्टमर डिस्टर्ब हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, होगा, ठीक है? तो इसे खाना नहीं आपने। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के अंदर एक नई एनर्जी के साथ, एक नई हाँ समझ हो तुम, हाँ वही वही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है,